असलम गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नो

मैन ये बिलीव करते हैं कि फिलोसफर्स भी टॉकर्स की तरह सिर्फ बातें ही करते हैं और वो प्रैक्टिकली किसी भी चीज को प्रूव नहीं करके दिखाते आगे पॉइंट खुद को इन फिलासफ़र से कंपेयर करते हुए ये कहता है कि मैं उनकी तरह सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि हर चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करता हूँ वॉल्ट विटमेन पोम के स्टार्ट में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कहते हैं द टॉकर्स वर टॉकिंग यानी कि फिलासफर्स ऑफ लाइफ किस मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे और फिर अपने ही सवाल का खुद ही जवाब देकर बात को क्लियर कर देते हैं वॉल्ट वॉल्टिटमेन ये बताते हैं कि उन्होंने फिलासफर्स ऑफ लाइफ को इस कायनात के शुरू होने और उसके खत्म होने पर बात करते हुए सुना है बट आई डोट नॉट टॉक ऑफ द बिगनिंग और द एंड मगर वर्ल्टिटमेन खुद को फिलोसफर्स ऑफ लाइफ से कम्पेयर करते हुए ये कहते हैं कि मैं लाइफ ऑफ फिलोसफर्स की तरह इस कायनात के शुरू होने या खत्म होने पर बात नहीं करता यहाँ पर वर्ड बिगनिंग इस कायनात के आगाज को रेफर करता है जबकि वर्ड एंड इस कायनात के खत्म हो जाने यानी कि डेथ को रेफर करता है क्योंकि क्यूँकी ये बिलीव करता है कि जो पास्ट में गुजर चुका है और जो फ्यूचर में होने वाला है उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता इसीलिए हमें सिर्फ प्रेजेंट के वर्ल्ड में रहना चाहिए और प्रेजेंट लाइफ को ही इंजॉय करना चाहिए इसीलिए वो रीडर्स को ये एडवाइस देता है कि प्रेजेंट की लाइफ पर पछतावा करने और फ्यूचर की लाइफ पर फिक्रमंद होने की बजाय प्रेजेंट की लाइफ को और ज्यादा बेहतर कर लो वॉल ऑफ लाइफ के इस वे ऑफ थिंकिंग को भी डिनाई करता है क्योंकि वो साइंटिफिक कन्वर्सेशन और फिलोसॉफिकल को हाईली डिसलाइक करता है लाइन नंबर फर्स्ट और सेकंड में लिटरेरी टेक्निक रेपिटेशन को यूज किया गया है क्योंकि दोनों लाइंस में द टॉक ऑफ द बिगनिंग एंड द एंड को टू टाइम्स रिपीट किया गया है देर वॉज नेर इज नाउ देन एनीर इज नाउ यहाँ पर लिटरेरी कैटाफोरा को यूज किया गया है क्योंकि इन चारों लाइन की एंडिंग वर्ड देर इज नाउ से की जाती है वॉल्ट फिटमेन नेचर को ही अपनी रियल वर्ड कंसिडर करता है है। और वो रीडर्स को ये इनवाइट करता है कि वो भी आकर नेचर को इंजॉय करें इंसेप्शन बिगनिंग यानी आगाज को कहते हैं और पोइट का ये बिलीव है कि प्रेजेंट से ज्यादा अच्छी इंसेप्शन और कोई नहीं हो सकती पोइट ये भी कहते हैं कि जिस जवानी या उम्र के किसी भी हिस्से को तुम इस वक्त इंजॉय कर रहे हो उससे अच्छी जवानी या उम्र का कोई हिस्सा नहीं हो सकता बिकॉज ही थिंक्स डेट देर इज नो एवरेज एज टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर यू कैन इंजॉय इट एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस वॉल्ट में नेचर के साथ अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज्यादा फाइड है ही मीन्स और वैल्यूज द टाइम दैट ही स्पेंड विद नेचर और वो ये कहता है कि जो प्रेजेंट टाइम पीरियड में नेचर के साथ परफेक्शन मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती और जो जन्नत और हमें इसी दुनिया में मिल जाती है वो और कहीं नहीं मिलती इसकी मार्लोव का एक बहुत ही फेमस प्ले डॉक्टर है जिसमें डॉक्टर सारी दुनिया के नॉलेज को गेन करने के लिए डेविल मेफेस्ट्रोफिल का साथ देना शुरू कर देते हैं अपने इसी ग्रीड और लस्ट की वजह से वो ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें हमेशा के लिए हेल में भेज दिया जाता है इसी में डेविल ये कहता है हेल इज वेयर वी आर यानी कि इस अर्थ में जहाँ पर भी वो पाए जाते हैं हेल वहीं पर होती है पोइटी कहता है कि हेवन और हेल के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो ह्यूमन बीइंग ने खुद ही क्रिएट किए हैं अर्ज एंड अर्ज एंड अर्ज ऑलवेज द प्रोक्रिय अर्ज ऑफ द वर्ल्ड अर्ज एक स्ट्रॉन्ग डिजायर या इम्पल्स को कहते हैं जिस पर बार बार ह्यूमन बींग एम्फोसाइज करते हैं प्रोक्रिय रिप्रोडक्शन को कहते हैं और पोइटी बताते हैं की हर इंसान की ये डिजायर होती है की वो फिजिकल रिलेशन अपने ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में लेकर आए, मंडे के बाद भी इस दुनिया पर अपना छोड़ सके। Last two lines में वर्ड अर्ज को फोर टाइम्स रिपीट किया जाता है इन सारी लिटरेरी डिटेल वीडियो लेक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है सो प्लीज चेक इट आउट इफ यू नीड इट आउट ऑफ डिमनेस ऑपोजिट इक्वल एडवांस एंड इंक्रीज ऑलवेज सेक्स यहाँ पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जाता है कि अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने के बजाय नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा सिमिलर इज द केस विद ह्यूमन बींगस जो कि अपोजिट पर्सनैलिटी रखने वाले पर्सन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है जिसमें जब टू सेपरेट आइडेंटिटीज आपस में मिलती हैं तो उनके यूनियन से एक न्यू ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है ऑलवेज 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 अ अ नीट ऑफ ऑफ आइडेंटिटी डिस्टिंक्शन लाइफ निट बुनाई करने को कहते हैं जिसमें एक धागे को दूसरे धागे में डाला जाता है और इस तरह डिफरेंट कलर्स के धागे आपस में मिल जाते हैं स्क्रीन पर नजर आने वाले पिक्चर के थ्रू आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे टू डिफरेंट कलर्स के थ्रेड्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो वो एक न्यू थ्रेड को शेप देकर उसकी फॉर्मेशन करते हैं इन ह्यूमन केस टू डिफरेंट आइडेंटिटीज के मिक्सचर से एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है इन लाइन्स में डिमनेस का मतलब तारीखी ऑपोजिट का मतलब डिफरेंट एडवांस का मतलब एक साथ चलना सबस्टांस का मतलब एग्जिस्टेंस यानी कि वजूद का होना इंक्रीज का मतलब जनरेशन का आगे बढ़ाना आइडेंटिटी का मतलब इंडिविजुअल्स का पैदा होना और ब्रेड का मतलब न्यू लाइफ को क्रिएट करना है सिंपली पॉइंट ये कहता है कि हर इंसान की ये डिजायर होती है कि वो फिजिकल रिलेशनशिप रखकर अपने ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में छोड़ कर जाए जो उसके उसके मरने के बाद भी उसके वजूद का सबूत देता रहे और ये सारा कुछ मैरिज के होली बॉन्डेज के बाद एक मेल और फीमेल के दरमियान होता है शादी से पहले जो मेल और फीमेल एक दूसरे को जानते भी नहीं होते वो शादी के बाद एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं टू एलेबोरेट इज नो अवेल अगर इस बात की वजाहत की जाए तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा पोइट ये कहता है कि शादी के बाद अगर मेल और फीमेल के रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाए तो इससे कोई फायदा नहीं होगा लर्न एंड अनलर्न फील डेट इट इज़ सो जो इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया वो ये जानते हैं कि ये ऐसा ही है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजिज एंड आवर फ्यूचर इज इन देंड्स ऑफ आवर क्रिएटर यानी कि किसकी शादी किसके साथ होगी और किसके चिल्ड्रन किसके जैसे होंगे ये सिर्फ खुदा के काम है जिसमें इंसान के किसी भी इन्वॉल्वमेंट को शामिल नहीं किया जाता श्योर एज द मोस्ट सर्टेन श्योर प्लम्प इन द अपराइट वेल एंट्री टाइड ब्रेस्ड इन द बीम्स पोइट्री कहता है कि जिस रियलिटी पर हमें 100% परसेंट बिलीव होना चाहिए वो डेथ है जो कि हमारी लाइफ और इस वर्ल्ड की अल्टीमेट रियलिटी है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता इस लाइन में शोर का मतलब यकीनी प्लम डेथ अपराइट खुदा के पास जाना एंट्री टाइड रिक्वेस्ट करना या किसी बात पर कायल करने की कोशिश करना ब्रेस्ट सेफ जबकि बीम्स का मतलब रोशनी फैलाना है वॉल्ट फिटमैन ये कहता है कि जब भी कोई इंसान मरता है तो वो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ जाता है अ हॉर्स अफेक्शनेट हॉटी इलेक्ट्रिकल आई एंड मिस्ट्री वी स्टैंड इस लाइन में स्ट्रॉट का मतलब मजबूत अफेक्शनेट मोहब्बत करने वाला हॉटी मगरूर इलेक्ट्रिकल एक दूसरे से जुड़े होना और मिस्ट्री का मतलब रास है पोइटी कहता है कि अगर सारे इंसान मोहब्बत में अपने रिश्तों पर गरूर करते हुए आपस में जुड़ जाएं तो वो घोड़े की तरह मजबूत हो जाएंगे यहाँ पर वर्ड हॉर्स को ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया गया है जो कि स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है पोइट्री कहता है कि इंसानों के आपस में मिलने से मजबूत होने के पीछे इक्वेलिटी का राज छुपा हुआ है यानी कि अगर सारे इंसान मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दें तो इसी में उनकी कामयाबी का राज छुपा हुआ है वॉल्टिटमैन बिलीव डेट ऑल ह्यूमन बींगस आर क्रिएटेड इक्वली बाई द सेम क्रिएटर ही बिलीव इन ब्रदरहुड डेमोक्रेसी एंड एकवेलिटी क्लियर एंड स्वीट इज माई सोल एंड क्लियर एंड स्वीट इज ऑल डेट इज नॉट माई सोल पोइट का ये मानना है कि उसकी सोल इन आइडियोलॉजीज के लिए बिल्कुल प्योरिफाइड क्लियर और स्वीट है और उसका दिल दूसरों की तकलीफ पर धड़कता है उसे भी तकलीफ होती है और वो दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करता है पोइट ये कहता है कि ये सोल मेरी पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट है मगर अगर ह्यूमन बॉडी से सोल को कम्पेयर किया जाए तो उसे क्लियर और स्वीट कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ना तो हम सोल को क्लियरली देख सकते हैं और ना ही सोल के पास कोई और क्वालिटी होती है बॉडी की नीटिंग सोल के साथ की जाती है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी के लिए इन दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है वन लेक्स बोथ यानी कि अगर अगर बॉडी 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 नहीं नहीं होगी तो के बगैर सोल भी एग्जिस्ट कर सकती और ह्यूमन प्रेजेंट हो मगर उसमें सोल ना हो तो वो भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती एंड द अनसीन इज प्रूव बाय द सीन यहाँ पर अनसीन डेथ को रेफर करता है जबकि सीन लाइफ को रेफर करता है इस आइडिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनके चिल्ड्रन ही उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ होते हैं वॉल्टन ये कहता है कि अब हमारी बर्थ हो चुकी है और हम अपने पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ हैं। और हमसे पहले जब हमारे पेरेंट्स की बर्थ हुई थी तो वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ थे टिल दैट बिकम्स प्रूफ इन इट्स टर्न पॉइंट ये कहता है कि एक दिन हम भी अनसिन हो जाएंगे यानी कि हमारी भी डेथ हो जाएगी और तब हमारे चिल्ड्रन हमारी एग्जिस्टेंस का प्रूफ बनेंगे यानी कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह एक दिन हमारी भी बारी आएगी जब हमारी एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमारे इंडिविजुअल्स देंगे रिप्रोडक्शन के इसी प्रोसेस से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एग्जिस्टेंस का ये प्रूफ पास होता है ये कैंडलेस प्रोसेस है जो की इस यूनिवर्स के खत्म होने पर ही स्टॉप होगा शोइंग द बेस्ट एंड डिवाइडिंग इट फ्रॉम द वर्स्ट एज एज बर्थ और डेथ हमें लाइफ की ऑनगोइंग नेचर के कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट करता है यानी कि बर्थ वो टाइम होता है जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है जबकि डेथ वो टाइम होता है जब हमारी लाइफ खत्म हो जाती है पोइट ये कहता है की मैंने इन सारी बातों के थ्रू आपको बेस्ट दिखाने की कोशिश की है जो की नाव और प्रेजेंट में मौजूद है यहाँ पर वर्स्ट एज पास्ट लाइफ को रेफर करता है जो की गुजर चुकी है जबकि लास्ट में जो वर्ड एज यूज किया गया है वो फ्यूचर लाइफ को डिपिक्ट करता है जिसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता सिंपली ये कहते हैं कि मैंने पास्ट और फ्यूचर लाइफ में से प्रेजेंट लाइफ को डिवाइड किया है और में परेशान होना प्रीवियस लाइन में मैरिज के बाद मेल और फीमेल के रिलेशनशिप लव ऑफ नेचर और इक्वेलिटी के थीम को हाईलाइट किया गया है और यहाँ पर मैरिज के हॉली बॉन्डेज के बाद पैदा होने वाली जनरेशन के थीम को भी हाईलाइट किया जाता है जिसे वर्ड्स में कह सकते हैं। और मोस्ट ऑफ दी डिस्कशन करते हैं की कैसे आप परफेक्ट फिजिकल हेल्थ गेन कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो आप कैसे उसे रिलेक्स कर सकते हैं आई एम साइलेंट एंड गो बात माई सेल्फ जबकि मैं खामोश रहता हूँ और जाकर नहाता हूँ और फिर खुद की ही तारीफ करना शुरू कर देता हूँ पोइट यहाँ पर खुद को ऑफ लाइफ से कम्पेयर करते हैं और ये कहते हैं मैं उनसे हजार गुना बेहतर क्योंकि मैं इधर उधर के मैटर्स पर की पर डिस्कशन करने बजाय खुद ही फोकस करता हूँ वेलकम इज एवरी ऑर्गन एंड एट्रीब्यूट ऑफ मी पोइट ये कहता है की मैं अपने सारे ऑर्गन और एट्रीब्यूट को वेलकम कहता हूँ मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन अच्छी फंक्शनैलिटी में है और मैं अपनी सारी खूबियों को पसंद करता हूँ एंड ऑफ एनी मैन

Again, Whitman, उनकी इस बात को भी करते हैं। और वो ये इंसान के हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन या पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में हमें नॉलेज दूसरे ऑर्गन या पार्ट से कम हो कि हमें अपनी बॉडी के सारे पार्ट और ऑर्गन से टोटली फेमिलियर होना चाहिए आई एम सेटिस्फाइड आई सी डांस लाफ

में खड़े हैं जो कि उनके बोल्ड और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है एज द हगिंग एंड लविंग बैट फेलो स्लीप्स एट माई साइड थ्रू द नाइट

है कि गॉड हर वक्त उसके साथ है और वो किसी भी दूसरी बिलाविट से ज्यादा उसे मोहब्बत करता है और उसका ख्याल रखता है और गॉड खुद पोइट मतलब थी चुपके से, ट्रेड, चलना, स्वेलिंग फूल जाना जबकि प्लेंटी का मतलब ज्यादा तादाद में होना है मगर जैसे ही सुबह की रोशनी पोइट के कमरे में झांक कर देखती है और पोइट अपने बिस्तर से उठता है तो वो ये देखता है कि गॉड वहाँ पर मौजूद नहीं है गॉड पोईट के रूम में बास्केट्स को छोड़कर कर चला जाता है जिसमें बहुत सारे व्हाइट टावल्स होते हैं ये बास्केट पोइट की प्रेजेंट लाइफ को सिंबलाइज करती है जबकि व्हाइट टावल्स पोइट की लाइफ में आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज को सिंबलाइज करते हैं पोइट ये कहता है कि व्हाइट टावल तादाद में इतने ज्यादा होते हैं कि उनका घर उससे फूल जाता है यानी कि उनके घर में हर जगह व्हाइट टावल्स ही नजर आते हैं इसीलिए पोइट ये बिलीव करता है कि हमें प्रेजेंट लाइफ और उसकी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए शैल आई पोस्टपोन एक्सेप्टेशन एंड एंड रियलाइजेशन My eyes. से ये पूछना शुरू कर देता है कि क्या मुझे प्रेजेंट लाइफ में मिलने वाली इन खुशियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्या मुझे इस फैक्ट को रियलाइज नहीं करना चाहिए कि गॉड की तरफ से ये सब कुछ मुझे गिफ्ट के तौर पर मिला है और क्या मुझे अपनी ही आंखों पर गुस्सा करके चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए कि मेरी आंखों ने ऐसे सीन्स को क्यों देखा डेट द टर्न फ्रॉम गेजिंग आफ्टर एंड डाउन द रोड वॉट विटमैन रीडर्स को ये रियलाइज करवाने की भी कोशिश करता है कि उन्हें प्रेजेंट लाइफ की अपॉर्चुनिटीज और हैप्पीनेस पर कंसेंट्रेट करना चाहिए और क्या मुझे सोसाइटी के फ़ास्ट नोशन और आइडियाज को ही फॉलो करना चाहिए क्या मुझे लोगों के डर से इस बास्केट को ही ओपन नहीं करना चाहिए जो कि अपरचुनिटी से भरी पड़ी है सोसाइटी का काम तो सिर्फ बातें बनाना है और वो कभी भी आपको खुश नहीं रहने देती तो क्या मैं सोसाइटी के डर से अपनी जिंदगी को जीना और खुश रहना छोड़ दूँ क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी की अच्छी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना छोड़ दूँ पोइट ये कंसिडर करता है की हमें ये बिलीव करना चाहिए डेट ह्यूमन इज द फ्रॉम ऑल यानी के खुदा ने इंसान को बाकी सारी मखलूकों से बेहतर और आला बनाया है यहाँ पर पोइट अपनी बॉडी में प्रेजेंट सारे ऑर्गन्स और एट्रीब्यूट से सेटिस्फेक्शन शो करता है जो कि दोबारा सेल्फ लव के थीम को हाईलाइट करता है ही ही थिंक्स इज एंड हिमसेल्फ एज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑल ऑफ गॉड ब्यूटिफुल्ड लास्ट लाइन में सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस भी इम्पोर्टेंट थीम है और इसके अलावा इसी लाइन में पोइट सेंस ऑफ वी को भी यूज करते हैं आई एम सेटिस्फाइड आई सी डांस लाफ एंड सिंग में सेल्फ प्रेज के थीम को भी हाईलाइट किया गया है और बेड फेलो में लिटरेरी डिवाइस परसोनिफिकेशन को भी यूज किया गया है है क्योंकि वो लीव्स ऑफ ग्रास को अपनी बेड फेलो कंसीडर करता है जैसे पोइट अपनी कनेक्टेड है वैसे ही पॉम सॉन्ग ऑफ माइ सेल्फ अपने पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास के साथ कनेक्टेड है आगे पोइट ये कहता है एंड फोर्थ विच चिपर एंड शो मी टू एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ वन एंड एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ टू एंड विच इज अड और पोइट ये कहता है कि वो आगे मुझे एक सड़क पर ले जाता है जहाँ पर मेरी खुशी खत्म हो जाती है और मेरी खुशी के खत्म होते ही वो मुझे आगे ले जाकर सेंट यानी के पैसे दिखाना शुरू कर देता है सिंपली पोइट ये कहना चाहता है कि उसकी खुशी पैसे से कोई भी कनेक्शन नहीं रखती उसको रियल हैप्पीनेस अपने साथ और नेचर की कंपनी में ही फील होती है पोइट की हैप्पीनेस नेचर में ही एनकोडिड है जिसकी वजह से वो नेचर को ही अपनी बिलविड बनाकर अपनी खुशी का सामान हासिल कर लेता है पोइट ये कहता है कि मैं सिर्फ अपनी खुद की एग्जिस्टेंस नेचर को वैल्यू देता हूँ और इस तरह वो विलियम वर्ड से भी एक स्टेप आगे निकल जाता है जो की नेचर को गॉड कंसिडर करते हैं मगर वॉल्ट वॉल्टिटमैन का ये बिलीव है लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिटरेरी डिवाइस रही टोरी क्वेश्चन को यूज करते हुए रीडर ये क्वेश्चन पूछते हैं जिस तरह एक या दो पर्सन की वैल्यू होती है इसी तरह वॉल्ट ट्विटमेन के लिए नेचर और माई सेल्फ वैल्यू रखता है मगर यहाँ पर यह क्वेश्चन रेस होता है कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और हमें किस चीज को आगे रखना चाहिए या किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए कहता है कि आम लोग तो सोसाइटल लाइफ जीते हैं मगर वो अपनी ही सेल्फ को सेलिब्रेट करते हैं इसी लाइन के साथ इस पोम का थर्ड सेक्शन फिनिश हो जाता है इस सेक्शन में यूज होने वाले प्रोमिनेंट थीम्स में सेल्फ लव एंड क्रेज सेंसुअलिटी वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मैरिज रिप्रोडक्शन गिफ्ट ऑफ गॉड और अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ सेल्फ रियलाइजेशन यूनिटी नीटिंग ऑफ आइडेंटिटी लव ऑफ नेचर इक्वेलिटी बर्थ और डेथ शामिल है इस सेक्शन में लिटरेरी डिवाइसिस के साथ साथ बहुत सारी सिंबलिज्म और इमेजरी को भी यूज किया गया है जिसे हम पॉम की लाइन बाई लाइन एनालिसिस करते हुए डिटेल ऐसी डिस्कस कर चुके हैं अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर दे इंग्लिश कोर्सिस ऐसी रिलेटेड एक्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं तो गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन,